So, how are you everyone? Now, We are doing question number 5 from our exercise 9.3, class 9th, Areas of Parallelograms and Triangles, the name of that chapter. So, the question number 5th is DE and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC. Show that first point BDEF is a parallelogram. Second point, area of DEF is equal to 1 upon 4 area of ABC. Third point, area of BDEF is equal to 1 upon 2 area of ABC. हेलो, कुछ समझ में आया? नहीं। तो देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है? ए बी सी DE and F are respectively the midpoints of the side BC, CA and AB of a triangle ABC. DE और F midpoints हैं इन साइड्स के, BC साइड्स के लिए मिड पॉइंट रहेगा पहला पॉइंट D। ये हमें बताता है रेस्पेक्टिवली वर्ड, क्योंकि रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रामक अनुसार। देखिए, D का BC, E के लिए CA और F जो पॉइंट है हमारा ए बी के लिए है, ठीक है? तो यहाँ पर डी इस पॉइंट पर, ई और इस पॉइंट पर एफ, ठीक है? अब हमें शो करना है बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। एक एक करके चलिए पॉइंट प्रूफ करते हैं। आप इसे पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको अभी लास्ट थ्योरम हम आप लोगों को बताना चाहेंगे के मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अधीन देखिए बच्चों, अगर ट्राइंगल है हमारे पास, दो हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है, तो डी ई और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी सी, ठीक है? डी ई पैरेलल होते थे हमारे बी सी के, और डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हुआ करता था। ये कहते थे हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? यानी कि अगर दो मिड पॉइंट्स होंगे हमारे पास एक ट्राइंगल में, तो वो लाइन जो उन्हें ज्वाइन करेगी उन मिड पॉइंट्स को, वो लाइन थर्ड लाइन के हमारे पास पैरेलल होगा, ठीक है? और वही सेकंड लाइन, वो हमारी जो लाइन डी ई है वो हाफ भी होगा बी सी के, ठीक है? तो हम यहाँ पर उसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है? सिंस यहाँ पर देखिए ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, किन साइड्स के हमारे पास ए बी यानी कि ई जो हमारा पॉइंट है वो ए सी का है, ए सी एंड ए बी, ठीक है? तो ये हम फर्स्ट पॉइंट प्रूफ कर रहे हैं। तो बताइए मुझे, क्या ई एफ इज पैरेलल टू किसके होगा, बी सी के, है ना? और ई एफ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी होगा, ठीक है? ये हमारी किस लिए है, मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? मिड पॉइंट थ्योरम का ये हमारे पास कहना है, ठीक है? अब मुझे ये बताइए, अगर हमारे पास डी भी एक मिड पॉइंट है, ठीक है, डी अगर मिड पॉइंट है तो हमारे पास क्या ये साइड इसके इक्वल आनी चाहिए, है ना? मिड पॉइंट की वजह से, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये ई एफ पैरेलल, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, बी डी ई एफ पैरेलल बी डी के लिख सकता हूँ, है ना? और इसी तरीके से ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी का मतलब क्या है, बी सी लाइन हमारे पास पूरी लाइन है बी सी, इसका जब मैं हाफ करूंगा तो बी डी आएगा। तो मैंने यहां लिखा बी ई एफ इज इक्वल टू बी डी, ई एफ पैरेलल टू बी डी, ई एफ इज इक्वल टू बी डी, ठीक है? अब थ्योरम आप उसे नोट करिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल हो, या फिर क्या हो, इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी हो, तब जाकर वो जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है? मुझे यहां लिखने की जरूरत नहीं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो आप जानते हैं यहां पर क्या पैरेललोग्राम हो जाएगा, बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, है ना? क्योंकि इसमें ई एफ पैरेलल हमारे पास बी डी क्या आ गया, और ई एफ इज इक्वल टू बी डी आ गया, है ना? तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इजी तो है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एरिया ऑफ डीईएफ, एरिया ऑफ डीईएफ, डीईएफ यानी कि ये जो एरिया वाला है ना, ये इक्वल होगा 1/4 एरिया ऑफ एबीसी के, 1/4 एरिया ऑफ एबीसी के, पूरे ही ट्राइंगल का 1/4 पार्ट है। इट मींस इसका कहने का मकसद क्या है, अगर हमारे पास पूरे ट्राइंगल का एरिया मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो खाली ये जो अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल बनेगा इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि 1/4 होगा फुल ट्राइंगल का, ठीक है। तो इसे प्रूफ करते हैं, चलिए सेकेंड पॉइंट को प्रूफ करने के लिए पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके अंदर पैरेललोग्राम्स कितने बन रहे हैं। देखिए एक ये पैरेललोग्राम आप ऑलरेडी बना चुके हैं, क्या सिमिलरली आप इसे पैरेललोग्राम बना सकते हैं, है ना, आपने इस तरीके से बनाया, अब आप इस तरीके से ही पैरेललोग्राम बना सकते हैं। और एक ये डायमंड की शेप में जो लग रहा है आपको, वाओ, है ना, ये भी आप एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर तीन पैरेललोग्राम्स हो चुके हैं, एक हमारे पास सिमिलरली मैंने यहां पर करा सिमिलरली, दूसरा पैरेललोग्राम हमारे पास हो जाना चाहिए ई सी डी एफ, ठीक है, ई सी डी एफ, ई सी डी एफ, और दूसरा हमारे पास पैरेललोग्राम होना चाहिए ए एफ डी ई, है ना, ए एफ डी ई आर ऑल्सो पैरेललोग्राम्स, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि मैं इतना बड़ा प्रूफ दोबारा नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने सिमिलरली कर इसे प्रूफ कर दिया। अब देखिए आपको एक थ्योरम ध्यान होगी, ये क्वाड्रिलेटरल की हमारी थ्योरम है, अगर किसी भी एक पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल आ जाता है तो वो पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल्स में बढ़ जाता है ना, और दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया कैसा होता है, इक्वल होता है। तो उस थ्योरम को कैसे करते थे, रिपीट कर लेते हैं, बल्कि इस चैप्टर में भी वो उसका एप्लीकेशन है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी है और इस चैप्टर में भी है। एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम का एक दो हमें किस में बांट देता है, दो ट्राइंगल्स में बांट देता है, ठीक है। तो सो आपके पास हमने यहाँ लिख देते हैं अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला बना हुआ ट्राइंगल था, पैरेललोग्राम था, सॉरी बी डी ई एफ, है ना, तो मैं इसमें दो ट्राइंगल्स को देख सकता हूँ, एक यही हमारा शेडेड पार्ट और एक ये हमारे पास दूसरा पार्ट। ये देखिए आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, सो एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी एफ, बी डी एफ, ये किस पैरेललोग्राम की बात हुई हमारे पास, ये पैरेललोग्राम हमारे पास हुई बात, मैं यहाँ लिख देता हूँ बी डी ई एफ के। दूसरे तरीके से अगर इधर के लिए पैरेललोग्राम के लिए देखा जाए तब यही वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमारे पास इसके इक्वल रहेगा, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आई एरिया ऑफ डी ई एफ, अगेन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसके बराबर होगा, सी ई डी के, सी ई डी, है ना। यहाँ पर नेमिंग से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये किस पैरेललोग्राम की वजह से है, ये जो हमारा पैरेललोग्राम था ई सी डी एफ, पैरेललोग्राम ई सी डी एफ की वजह से, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास, ये ऊपर एक पैरेललोग्राम हमने बताया था डायमंड शेप में एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, इस डायमंड शेप में पैरेललोग्राम में ये ट्राइंगल दोबारा इसके बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर डी एफ ई डायगोनल है हमारे पास, है ना। तो एरिया ऑफ डी ई एफ किसके इक्वल हो जाना चाहिए, एरिया ऑफ ए ई एफ के, ठीक है, ए या एफ ई कर लीजिए, ए एफ ई, ठीक है, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, पैरेललोग्राम, सॉरी ये थोड़ा सा रफ हो गया, ठीक है, इस पैरेललोग्राम का नाम लिखा था आपने यहां पर ए एफ डी, ए एफ डी,
है ना, ये आपके पास तीन इक्वेशंस बन गई, ठीक है, ये तीन इक्वेशंस बन गई। जरा एक बार इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, तीनों ही हमारे पास, मैं इसे अब रफ कर देता हूं, ठीक है, एरिया ऑफ डी ई एफ, यानी कि अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को देखा जाए, वी गेट एरिया ऑफ डी ई एफ बी डी एफ के बराबर है, डी एफ सी डी के बराबर है, डी ई एफ ए एफ ई के बराबर, इट मींस चारों बनने वाले ट्राइंगल्स हमारे पास 1 2 3 4, फोर के फोर हमारे पास कैसे हैं, इक्वल है, बिल्कुल। तो हमने लिखा यहाँ पर एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी एफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ सॉरी इक्वल टू एरिया ऑफ सी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ नेक्स्ट हमारे पास ट्राइंगल है ए एफ डी, ठीक है, सारे के सारे ट्राइंगल्स का हमारे पास एरिया कैसा आया, बिल्कुल इक्वल आया, ठीक है। अब लेकिन अगर हम देखा जाए अगेन, अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को फुल्ली को देखें, तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, ये पूरा ही ट्राइंगल चार ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, हम बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल इजी बैठ जाए, बिल्कुल, ठीक है, चार ट्राइंगल से बन रहा है, उन चारों ट्राइंगल्स के नाम क्या है, एरिया ऑफ, देखिए यही वाले चारों ट्राइंगल्स हैं, तो इन चारों से मिलकर बन सकता है, यानी कि अब मुझे इक्वल की जगह मुझे क्या लगाना है, प्लस डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ सी ई डी प्लस एरिया ऑफ ए एफ डी, ठीक है, तो ये चारों ट्राइंगल्स से हमारे पास मिलके बना हुआ है। अब इन चारों ही ट्राइंगल्स को हम एक ही में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी एक में, क्योंकि चारों ही हमारे पास कैसे हैं, ये चारों ही ट्राइंगल्स हमारे पास, चारों के एरिया बिल्कुल इक्वल हैं, तो हमने लिखा एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ बी डी एफ को एरिया ऑफ डी ई एफ लिखा, प्लस इसे भी क्या लिखा, एरिया ऑफ डी ई एफ, प्लस इसे एक बार और लिखा एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है, ये चारों को हमने एक साथ लिख लिया। अब ठीक है, अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 डी ई एफ हो गए, 4 एरिया ऑफ डी ई एफ, आपका अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छा है तो ये समझिए मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन का नंबर किधर जाता है, डिवीजन में, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, शायद बच्चों ये प्रूफ हो चुका है ना, बस लेफ्ट हैंड साइड इधर आई है और राइट हैंड साइड उधर, तो एरिया ऑफ 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, सो कितना ईजी प्रूफ था, ही है ना, आपने क्या करा, तीन पैरेललोग्राम्स बनाए, तीनों पैरेललोग्राम्स को मैं एक डायग्राम डालकर उनका क्या कर दिया, एरियाज को इक्वल कर दिया, और उनके सबके एरियाज के साथ इक्वल फोर के फोर एरियाज को आपने ऐड करा, फिर उन्हें चेंज करा, आपके वो फोर बने, आपने फोर को डिवाइड में पहुंचा दिया, आपका ईजी प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं इसे एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिगर भी चलिए दोबारा ही बना देते हैं, डी ई एफ कुछ स्टेप से ही तो फिगर है आपका, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में सॉरी प्रूफ करना है हमें, एरिया ऑफ बी डी एफ, बी डी ई एफ का जो एरिया है वो इक्वल है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी के, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी के, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट सो इजी होने वाला है, अगर आप देखें एरिया ऑफ बी डी ई एफ दो ट्राइंगल्स से मिलकर बना हुआ है, अभी हमने आपको बताया बी डी ई एफ दो ट्राइंगल्स से मिलकर बना हुआ है, दोनों ट्राइंगल्स का नाम दे दिए यहाँ पर, एरिया ऑफ डी ई एफ और दूसरा हमारे पास है एरिया ऑफ बी डी एफ, बी डी एफ है ना, सो एरिया मैं इसे ऐसे चलाता रहता हूँ, डी ई एफ को हम डी ई एफ रहने देते हैं, प्लस बी डी एफ को हम भी डी ई एफ रहने देते हैं, ठीक है, बी डी एफ हो गया,
अब DEF और DEF क्या हो गया, डबल ऑफ एरिया DEF, टू इंटू एरिया ऑफ DEF, अभी आपने लास्ट में किसके इक्वल प्रूफ करा था, DEF किसके इक्वल है, 1/4 एरिया ऑफ DEF के, तो आप इसे लिखेंगे 1/4 एरिया ऑफ, सॉरी ABC मैंने DEF बोल दिया था, ये हमारे पास क्या करा था हमने प्रूफ डबल ऑफ की वजह से हम इसे यहाँ पर लिया है, ठीक है, 2 2 4, सो 1/2 एरिया ऑफ AB, जो भी ट्राइंगल है आपका ABC आपके पास प्रूफ हो चुका है, सो एरिया ऑफ BDEF, ठीक है, सो ये मैं मानता हूँ ये बहुत इजी है, आपने पैरेललोग्राम्स को क्या करा, दो ट्राइंगल्स में बांट दिया, दोनों ट्राइंगल्स में से क्या करा, एक ट्राइंगल को चेंज कर दिया, डबल कर दिया, पुराने प्रूफ की वजह से वो लगा दिया वहाँ पर, और प्रूफ का लगाने के बाद आपने कटिंग करी और इससे भी आपका प्रूफ हो चुका। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड एडवांस स्टडी, थैंक यू एवरीवन।